हेलो बच्चों, आपसे एक बात कहनी है कि आप लोग अगर एनएएस सर्वे एग्जाम में प्रश्नों के केवल उत्तर देख रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होना है। आप उन प्रश्नों को समझिए, उनको हल कैसे करना है। मैंने मैथ्स के पूरे क्वेश्चन के पेपर जो है आपका पूरा सॉल्व किया है, आपको समझाया है, इसलिए सारे प्रश्न पत्र को आप समझ के हल कीजिए। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देख लेते हैं अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र। तो पहला है जो आपका, ये इमेज बतानी है कौन से जानवर की है। तो ये भेड़िया तो है नहीं, चूहा है नहीं, मगरमच्छ है नहीं, तो ये है बेटा मंगूज। ठीक है, ये है आपका मंगूज। ये पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा है टेरिबल मींस वेरी बैड, तो वेरी फनी का क्या होगा अर्थ। तो यहां पे देखिए वेरी फनी से जुड़ा हुआ क्या, वेरी फनी मतलब कि बहुत ज्यादा आनंददायक या फिर हास्यप्रद या हंसी से भरा हुआ। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर बी है आपका हिलेरियस। हिलेरियस का अर्थ क्या होता देख लीजिए, इसका अर्थ होता है हास्यप्रद। बच्चों इस एग्जाम को आपको समझना है, अगर आपको रटोगे तो कुछ फायदा नहीं है, समझ लीजिए। तीसरा है विच ऑफ दीज कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंस बिलो। यह प्रिया डॉग चेस्ड हर कैट अक्रॉस द गार्डन। तो यहां पे आपको इसका आंसर बताना, तो ये होगा बी वाला ऑप्शन रैन आफ्टर। ओके, तीसरे का बी हो जाएगा। चौथा है आपको बताना है विच ऑफ दीज वुड बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बिफोर द सेंटेंस बिलो। यस ही डज। तो देखिए इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन बताना, तो जहां डज लगता है क्वेश्चन मार्क में पहले में, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि डी डज दिया हुआ है तो डज का यदि क्वेश्चन फॉर्म बनेगा तो उसमें डज से ही शुरुआत होगी। ठीक है, इसके बाद पांचवा देख लीजिए कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इन सच अ वे दैट सपोर्टिंग थॉट इज एक्सप्रेस्ड। ये लिखा हुआ है खालिस्तान। फिर यहां पे आपको बताना यहां क्या आएगा, मतलब जो रियल है, तो इसमें आएगा छठवां सी वाला वेयर एवर देयर आर कंप्यूटर्स देयर आर पीपल रनिंग एंड मैनेजिंग देम। छठवां है चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। वी लुक्ड थ्रू मतलब मैंने देखा, किसके माध्यम से, थ्रू मतलब के जरिए से, द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। ओके, तो ग्लास के जरिए। ठीक है, इसके बाद अगला है सातवां विच सेंटेंस कंटेंस अ पेयर ऑफ वर्ड डेट आर अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट बताना है यहाँ पे, अपोजिट जो होगा इसका। तो देखिए सातवें का जो आंसर है वो होगा ए वाला। ठीक है, आप ए वाला लगा लीजिए। आठवां है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस ही स्प्रेंड हिज एंकल ब्लैंक प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी। ठीक है, तो इसका आएगा वाइल, उसने अपने अंकल को कब तक मतलब यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन देख लें आप सीधे डी वाला वाइल आ जाएगा। फिर इसके बाद नौवा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम साउंड एज द क्रीम। तो क्रीम, क्रीम के जैसा है ग्रीड। ठीक है, ब्रेड तो है नहीं, क्रेस्ट है नहीं, क्लियर है नहीं, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस माई फ्रेंड खालिस्तान ब्लैंक है यहाँ पे, तो इसका होगा बिट्राइट, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। मी बाय टेलिंग माई सीक्रेट टू समवन एल्स, मेरे मुझे धोखा दिया कैसे, मेरे सीक्रेट किसी दूसरे को बता करके। इसके बाद ग्यारहवां देख लीजिए रीड द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे है दीज डेज मैनी पीपल यूज कंप्यूटर टू डू देयर जॉब्स। यहाँ पे आपको करेक्ट वे बताना है, तो ये आएगा पीपल यूज। ओके, यूजेस नहीं आएगा यहाँ पे, यूज लिख करके आएगा। बारहवां है एंटोनिम्स मतलब कि आपको विलोम बताना है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूएबल ये शब्द लिखा हुआ है, इसका विलोम बताना है, तो वैल्यूएबल का विलोम हो जाएगा ऑब्सोलेट। ठीक है, ऑब्सोलेट। ओके, आप मिला लीजिए इसको। इसके बाद तेरहवा है डू नॉट द मेडिसिन इन द प्रिंटेड नेक बेड, ये पूरा लिखा हुआ है, इज मिसिंग और ब्रोकन। तो यहाँ पे बताना है द सेंटेंस एबव कैन बी रिटन एज, जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको किस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, चार ऑप्शन दिए आपके सामने, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, आप मिला लीजिए। बच्चों एनएएस सर्वे एग्जाम आपका 12 नवंबर को होना है और वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको देना ही होगा, क्योंकि उससे आपके फाइनल एग्जाम में भी कुछ हो सकता फंडा बन रहा है, क्योंकि सुनने में आया है अभी क्लियर न्यूज़ नहीं है, पर आप एग्जाम को बहुत अच्छे से देखिएगा। आई रिमाइंडेड ब्लैंक टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, तो ये आएगा डैम, मैंने उनको याद दिलाया किसके लिए, अम्ब्रेला खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ सी वाला आ जाएगा, डैम आ जाएगा। इसके बाद है द चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज आल्सो नोन फॉर इट्स टेंडेंसी टू टायर्ड क्विकली। ओके, इसका ऑप्शन ए रहा। फिर आ गया सर 16वां क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड फॉर और द गिवन सेंटेंस सरला हैज गॉन टू अटेंड द स्कूल एनिवर्सरी। एनिवर्सरी की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, बाकी सारी की सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप देख लीजिएगा फेस्टिवल में गलत लिखा हुआ है, बाकी भी मिस्टेक हैं, तो इसका जो सी वाला आंसर सही होगा। 17वां द फुटबॉल टीम लॉस्ट हर्ट,
तो यहाँ पे आएगा फेल्ट डिस्करेज्ड। यहाँ पे जो 17वां है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर बच्चों 18वीं की बारी आई, 18वां देख लें। व्हेन द कार इज स्टैंडिंग स्टिल इट इज, तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है स्टेशनरी, वो सही है। बाकी स्पेलिंग सारी की सारी मिस्टेक्स दी हुई हैं, तो इनमें आपको स्पेलिंग भी करेक्ट, आपको स्पेलिंग का नॉलेज होना आवश्यक है। 19वां है, पूरा लिखा हुआ है, इन द अबव सेंटेंस RDS लिखा हुआ है। RDS probably means, तो RDS means क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RDS का अर्थ होता है कठिन। ठीक है बच्चों, RDS means होता है कठिन, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा डिफिकल्ट एंड टायरिंग। तो आप मिला लीजिए इसका 19वें का सी वाला हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो, इनमें अरेंज करना था, चार सेंटेंस दिए थे, उनको अरेंज करके बताना था, तो आप अरेंज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला वो सही होगा, आप मिला लीजिएगा तीसरा, दूसरा, पहला और फिर चौथा। 21वां है, इन विच ऑफ दिस सेंटेंस इन द अंडरलाइन वर्ड्स नॉट अ वर्ब, यहाँ वर्ब ढूंढना है जो कि नहीं है। तो फील्स वर्ब है, प्रिटी नहीं है, प्रिटी मतलब होता सुंदर और ये क्रिया नहीं है। लाइक मतलब पसंद करना, स्लेप्ट मतलब लपाड़ा मारना या झापड़ा मारना, फील्स मतलब होता महसूस करना, मगर प्रिटी कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, वर्ब का मतलब क्या होता है, जो क्रिया होती है, जो की जाती है, वो वर्ब कहलाती है। फिर है 22वां, द रियल थीप वॉज कैप्चर्ड एंड द इनोसेंट पीपल वर रिलीज्ड बाय द पुलिस। ओके, 22वें का ए हो जाएगा। 23वां, चूज द वर्ड डेट कम्प्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, आपको बताना है। लिखा हुआ है सिमरन, I gave it to you blank, Salma asked me to because, यहाँ पे आ जाएगा I gave it to you because Salma asked me to, सिमरन पूरा सेंटेंस लिखा है, because लगा लीजिएगा। 24वां है, इसमें आपको पूरा देख लीजिएगा, which of the following has the correct punctuation for the above sentence, तो इसका उत्तर सी वाला होगा बच्चों, पूरा का पूरा पढ़ के बताना पड़ेगा, बड़ा है आप देख लीजिएगा। 25वां है, चिल्ड्रन ब्लैंक प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन मतलब कि बहुवचन है बच्चे, तो इसके साथ आर लगेगा बच्चों, आर प्लेइंग इन द पार्क। उसके बाद 26वां है, चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, द क्लब क्लब मेंबर्स ब्लैंक फॉर देयर क्लेम अप माउंटेन फॉरेस्ट नेक्स्ट मंथ, तो ये होगा द क्लब मेंबर आर प्रिपेयर्ड, जो क्लब के सदस्य थे वो तैयार कर रहे थे किसके लिए, जो चढ़ाई पर्वतारोहण की तैयारी कर रहे थे। ओके, इसके बाद 27वां है, लैंड लॉक्ड भूटान इज सिचुएटेड, ये पूरा है इसका है इन द ईस्टर्न हिमालयस एंड इट मोस्टली माउंटेन्स, पूरा लिखा है आप मिला लीजिएगा। 28वां, आई कैन नॉट फाइंड माई नोटबुक ब्लैंक एंड आई हैव लुक्ड फॉर इट ब्लैंक, तो यहाँ पे है आई कैन नॉट फाइंड माई नोटबुक एनी वेयर, मुझे अपनी बुक कहीं भी नहीं मिली, एंड आई हैव लुक्ड फॉर इट एवरी वेयर, जिसको मैंने सभी जगह देख लिया। एनी वेयर मतलब होता कहीं नहीं, और एवरी वेयर मतलब हर जगह या सभी जगह, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर इसके बाद बारी आती है 29 वाले की, तो 29 आप देख लें, इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ यू वॉन्ट अराइव इन टाइम, तो यहाँ पे क्या है, इसको आपको ये बनाना है सेंटेंस बिलो द सेम मीनिंगफुल, तो जैसा का तैसा बनाना है, अनलेस यू स्टार्ट नाउ, तो यहाँ पे ऊपर लिखा था यू विल नॉट अराइव इन टाइम अनलेस यू स्टार्ट नाउ, अनलेस लगा के इसको बना दिया है बी वाला ऑप्शन। फिर 30 वाला देख लें, 30वां आपका द यूनियन गवर्नमेंट, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डी वाला, आप डी वाला मिला लें। देखिए जहाँ जैसा समझाने लायक है मैं पूरा समझा रहा हूँ। अभी ये कहानी एक अंकल की है, उनके घर के बाहर रोज रात को बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आ जाते थे, और उसके कारण क्या होता था, अंकल को दिक्कत होती थी। एक दो बार अंकल ने मना करने का प्रयास किया पर बच्चे नहीं माने, फिर अंकल ने एक दूसरा आइडिया निकाला, उनने कहा कि बच्चों आप लोग मेरे पसंद का गेम खेलते हैं, और अगर आप ये गेम खेलोगे रोज यहाँ आकर के, तो मैं आपको हर हफ्ते 25 रुपये दूंगा। बात डन हो गई। कुछ दिन बाद अंकल ने क्या किया, 25 की जगह कम कर दिया कि अभी मैं 15 ही दे पाऊंगा, तो बच्चों को निराशा हुई कि अंकल तो अब 15 रुपये दे रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे ये खेल। और कुछ दिन बाद अंकल ने और सेटअप बनाया, और उनने बोला कि अब आपको मैं केवल 5 रुपये दे पाऊंगा बस। बच्चे इतने नाराज हो गए उनकी इस बात से कि यार ये 25 रुपये से 15 रुपये देने लगे, और बाद में हमें केवल अब 5 रुपये ही दे रहे हैं। तो बच्चों ने डिसाइड किया कि ये अंकल अब हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, और अब हम वो गुस्से हो गए, बच्चे गुस्सा में आ गए, और गुस्सा में आकर के बच्चों ने ये कहा कि अभी अंकल के सामने यहाँ पे हम इनको 5 रुपये में अपना गेम नहीं दिखाएंगे, और बच्चे वहाँ पे खेलना बंद कर दिए। इस प्रकार से अंकल ने जो बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगाने के कारण बच्चों ने भी वहाँ खेलना बंद कर दिया, और अंकल का भी फायदा हो गया। ये पूरा पैसेज था, इस पैसेज में केवल और केवल इसी बात को बतलाया गया था। तो ये पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे तो पूरा उसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन आंसर।
तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन आंसर देखें, ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे डेड द बॉयज प्ले क्रिकेट, तो किस हिस्से में मतलब कौन से समय पर वो क्रिकेट खेलते थे, तो इन द नाइट ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर 32 है, वेयर डिड द बॉयज प्ले, तो बच्चे कहाँ पे खेलते थे, तो जो वो बूढ़ा आदमी था ओल्ड मैन था उसके घर के बाहर की और रोड पे सड़क पे खेलते थे, मतलब इन द स्ट्रीट आउटसाइड द ओल्ड मैन हाउस, उसके ओल्ड मैन के घर के बाहर सड़क पर, ठीक है। फिर हाउ मच मनी डिड ही प्रॉमिस टू गिव हिम बॉयज द बिगिनिंग व्हेन ही मेड द डील, तो 25 रुपये में डील हुई थी, मतलब उस बूढ़े आदमी ने कितने में डील की थी, 25 रुपये में डील की थी कि वो बच्चों के 25 रुपए हर हफ्ते देगा। What did the old man really want from the boys? वो बूढ़ा आदमी था, वो चाहता क्या था बच्चों से, वो ये चाहता था कि वो उसके घर के बाहर ना खेलें। He wanted them to stop playing cricket near his house at night, मतलब कि वो उसके घर के बाहर रात के समय मैच ना खेलें क्योंकि उसे दिक्कत होती थी फिर था। How did the boys probably feel at the end of the story? तो लास्ट में क्या हुआ, तो लास्ट में ये हुआ कि लड़के गुस्से हो गए और that day we are being badless, उन्होंने कहा कि हम इतने कम पैसों के लिए नहीं खेलेंगे। अगली कहानी है एक ध्रुव की। ध्रुव नाम का एक लड़का था जो कि 25 साल का था, उसने अभी अभी एक मूवी है स्नेहांजलि उसमें काम किया है। अब ध्रुव के बारे में बताएं बच्चों कि वो क्या था, अंधा और गूंगा था। तो उसने उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, बेंगलोर के एक बिजनेसमैन एक्टर थे सुरेश शर्मा, उनके घर में उसका जन्म हुआ था। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी और उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि उसको लेक्चर समझ में नहीं आते थे जो प्रोफेसर पढ़ाते थे। फिर उसने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया मगर उसको वहाँ पर भी इंटरेस्ट के कारण उसको इंटरेस्ट नहीं हुआ उस कोर्स में, उसने उस कोर्स को भी छोड़ दिया। एक दिन वो अपने पिताजी के साथ अपने स्टूडियो गया, उसके पिताजी के स्टूडियो गया, वहाँ उसने फील किया कि वो भी एक एक्टर बन सकता है और उसने ये डिसाइड किया कि वो लोगों के जो डायलॉग्स होते हैं उनको अगर होंठों में लिप मतलब कि होंठों को पढ़ना सीख करके वो डायलॉग डिलीवरी कर सकता है। उसके बाद हुआ ये कि उसके इस डिसीजन को सभी लोगों ने नकार दिया और लोगों ने कहा कि ये क्या बनेगा एक्टर, अंधा और गूंगा ये नहीं बन सकता एक्टर। मगर फिर उसके बाद उसने खुद को तैयार किया लोगों की परवाह किए बिना और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और अपने आप को लोगों को ये सिद्ध करने के लिए लग गया कि वो उनके रिजेक्शन को डिसपॉइंट मतलब उनसे दुखी नहीं होगा। और लास्ट में उसने अपने आप को एक अच्छा एक्टर बन के प्रूव कर दिया और उसने एक मूवी स्नेहांजलि में काम किया जिसमें सिद्धारामू ने उसको मौका दिया। ये पूरी कहानी है इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रिप्लेस ट्राई हिम आउट, मतलब ट्राई हिम आउट का मतलब उसमें ये है ट्राई हिम आउट का अर्थ क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है डी वाला गिव हिम अ चांस, ओके। 36वां है, ठीक है। फिर देखें 37वां, फ्रॉम द दिस आर्टिकल वी कैन से दैट ध्रुव, ध्रुव क्या रहा इसमें, इस आर्टिकल के माध्यम से ध्रुव को क्या बताया गया है, ये बतलाया गया है कि वाज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट था एंड डिटरमाइंड टू बीट हिज डिसेबिलिटी, वो चाहता था कि वो अपनी विकलांगता को जो उसके अंदर कमजोरी है उसको हटा दे। फिर है What is the likely impact to readers? तो यह दूसरा वाला, the blind will be encouraged to follow their dream, अंधे लोगों को भी हक है कि वो अपने सपनों को पा सके। 39वां है, ध्रुव स्टोरी से हमें क्या मतलब सीख मिलती है, तो ये लिखा हुआ हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड यू हैव टू टेलर इट, मतलब खुशी आपको बनानी पड़ती है, ये कोई बनी बनाई नहीं है कि किसी को ही मिल जाए। फिर ध्रुव ड्रॉप आउट ऑफ द कॉलेज बिकॉज, ध्रुव को कॉलेज क्यों छोड़ दिया था ध्रुव ने, क्योंकि उसको बच्चों उसके लेक्चर नहीं समझ में आते, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द लेक्चरर्स वे आर सेइंग, लेक्चरर्स जो होते हैं प्रोफेसर जो लेक्चर देते थे वो क्या कहते थे उसे समझ में नहीं आता था। अगला है पीपल डिस्करेज ध्रुव फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर एज दे फेल्ट डैट ही वुड फेल एंड एज अ रिजल्ट फील बैड अबाउट हिज डिसेबिलिटी, लोग उसको उसके अभिनय के लिए नहीं नकारते थे कि उससे अभिनय में वो फेल हो जाएगा बल्कि उसकी विकलांगता के कारण डिसेबिलिटी के कारण ही उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। अगला इस पैराग्राफ जो है आपका ये पोस्टर है इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से, 19 फरवरी 2008 ट्यूजडे पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि कौनाक नृत्य मंडीदीप एंड न्यूट्रालय ये पूरा लिखा हुआ है इसको आप देखेंगे। फिर 20 फरवरी को क्या होना है, 21 फरवरी को क्या होना है, पूरा इस पोस्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा और पोस्टर से जुड़े यहां पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ये एक नृत्य महोत्सव के बारे में लिखा हुआ है, ओडिसी नृत्य स्थापित वीणा रेक्टिकल ये पूरा लिखा हुआ है जी, ओडिशा डांस एकेडमी एंड कोणार्क नृत्य मंडप, ठीक है, कोणार्क नृत्य मंडप कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला है बच्चों इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही है। क्वेश्चन देख लेंगे हम अगला,
रीड द पोस्टर केयरफुली टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस पोस्टर को पढ़ना है और आपको ये बताना है कि जो चार स्टेटमेंट ये लिखे उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बच्चों हमारा ए नंबर का कि द कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इन थ्री डेज इवेंट डेट टेक्स प्लेस एवरी ईयर, जो कि हर साल 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कौन कौन सी डेट रही वो हमारी 19, 20 और 21, ठीक है, ये 3 दिन के लिए थी। तो ये वाला जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही है। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा इसको। फिर अगला है 43वां, ऑन विच डे द ओडिसी डांस गोइंग टू परफॉर्म बाय टू पीपल। तो इसके लिए कौन सी डेट दी गई थी, 20 तारीख को, 20 फरवरी को वो होना था। फिर है हु इज गोइंग टू प्ले द तबला इन द सात्विक वीना रेक्टिकल। तो पूरा पोस्टर में लिखा हुआ है, कौन दे रहा था, मिस्टर राम मिश्रा। आप पोस्टर को पढ़ोगे पूरे आंसर मिल जाएंगे आपको। 45 है द मेन पर्पस ऑफ दिस नोटिस इज टू, क्या है इसका मेन पर्पस, अट्रैक्ट व्यूअर्स टू अटेंड दिस प्रोग्राम। ये जो पोस्टर छपा था लोगों को आकर्षित करने के लिए कि वो आए और प्रोग्राम देखें। फिर अगला इसको पढ़ना है आपको। ये भी बच्चों वैसा ही पैराग्राफ है, मतलब वैसा ही पैसेज है जैसे अभी आपने दो पैसेज निकाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में निकाल दूंगा। आप यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। बच्चों एनएएस सर्वे जो एग्ज़ाम है आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कहा जा रहा है बोर्ड के माध्यम से कि आपके एनएएस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने हैं उनका बहुत सारा हिस्सा आपके मेन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इसलिए आप इनको रटें नहीं। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाले हुए हैं और केवल केवल आंसर बता दिए हैं, तो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। आप प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं। देखिए 46 है जो वैन डेट स्वामी कम आउट ऑफ द हॉल, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया था 4:40 PM। इसके बाद अगला है 47 का आंसर नंबर सी आ जाएगा, फेल्ट अंडर अनकम्फर्टेबल ऑन सीइंग हिज फ्रेंड स्टिल आंसरिंग द पेपर। आप पैसेज को पढ़ेंगे आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। 48 है विच ऑफ दीज प्रोबेबली अ बेटर मॉरल फॉर द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द टाइगर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। फिर 49 है स्वामी चूज द सेकेंड मॉरल फॉर द गिवन स्टोरी बिकॉज इट वॉज मोर रैशनल टू हिज माइंड। फिर है 50वां नंबर, दिस सजेस्ट दैट स्वामी वॉज बोर्ड एट दैट टाइम। बच्चों इसी प्रकार से आप लोगों को पूरे इनको बहुत अच्छे से लिखना है। फिर अगला पैसेज फिर मिल जाएगा, टॉकिंग टू बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर जो बछेंद्री पाल के बारे में है, बछेंद्री पाल के बारे में आपको मालूम होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी वो, तो उनका एक इंटरव्यू सेशन हुआ है और इंटरव्यू सेशन में बछेंद्री पाल के द्वारा जो आंसर्स दिए गए हैं इसी पे बेस्ड ये पूरा पैसेज है। इसको पढ़िएगा आप बहुत अच्छे से और इसके जो आंसर्स हैं आपको वो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक इंटरव्यूअर है और आंसर देने वाली हैं कौन, बछेंद्री पाल। तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसी के कुछ आंसर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है। 51 है व्हाट इट बछेंद्री रिकमेंडेशन फॉर ट्रेनिंग पीपल टू बिकम लीडर्स, तो ये है लीडर्स बनाने के लिए, सी बिलीव्स अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस लीडरशिप स्किल एंड दे की आर की टू डेवलपिंग लीडर्स। देखिए 51 का बी हो जाएगा, फिर 52 वाला है जो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 53 है अकॉर्डिंग टू बछेंद्री पाल व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज टू फेस हिज हर लाइफ, तो ये बी वाला ऑप्शन, 53 का भी बी वाला ऑप्शन। देखिए जल्दबाजी में निकाला हूँ मैंने क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो आप लोग इसको पढ़िएगा पैसेज और आंसर दीजिएगा। 54 है जो 54 का जो आंसर होगा वो होगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे बी वाला, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। फिर 55 है द इंटरव्यूअर क्वेश्चन आल्सो इंक्लूड्स, इंटरव्यू लेने वाले ने अपने क्वेश्चन में और क्या शामिल किया था, तो इसमें शामिल कर दिया था उसने द हाइलाइट्स ऑफ बछेंद्री पाल्स करियर, बछेंद्री पाल के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को भी इंक्लूड कर दिया था। इसके बाद फिर एक और पोस्टर टाइप का है आपका, देखिए मैनी ऑफ स्कूल हैज इट कल्चरल ऑफ स्कूल डे। देखिए बहुत सारे स्कूलों में दिसंबर के महीने में कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं क्योंकि शीतकालीन अवकाश पड़ते हैं, विंटर आपके हॉलीडेज पड़ते हैं, तो बहुत सारे स्कूल कॉम्पिटिशन करते हैं। तो एक पत्रिका है या एक जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्या लाफ अ वाइल कॉन्टेस्ट, तो उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है और उसमें बहुत सारे बच्चों को बोला गया है कि आप इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कीजिए और आप जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं अपने स्कूल में उस स्कूल की प्रतियोगिता के दौरान आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन करने पड़ती है उसके बारे में आपको क्रिएशन बतानी है और वो भी खुद के बारे में बतानी, खुद की रचना होनी चाहिए और ये एड्रेस लिखा गोकुलम का वहाँ पर भेजना है। तो देख लें इसके क्वेश्चन आंसर, हु इज लाइकली टू बी जज इन दिस कॉन्टेस्ट, तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो उसको आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसका जो जज कौन थे, द एडिटर ऑफ गोकुलम,
जो पत्रिका है, जो वो न्यूज़पेपर है, उस गोकुलम के जो एडिटर हैं वो उस प्रतियोगिता के पूरे जज होंगे। फिर 57 है, इसमें आपको आउटकम्स के बारे में बता दिए है, बी वाला, द प्राइज विनिंग एंट्री विल अपियर इन द नेक्स्ट इशू ऑफ गोकुलम। तो जो प्रतियोगिताओं के विजेता हैं उनका गोकुलम के अगले चैप्टर में उसका अनाउंस किया जाएगा। फिर है 58, द एवअप सेंटेंस इज लाइकली टू बी वन ऑफ द ब्लैंक फॉर द कॉन्टेस्ट। तो क्या है रिक्वायरमेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी वाला, गोकुलम इज मोस्ट लाइकली टू बी। क्या है गोकुलम, गोकुलम के बारे में अब पता चलेगा आपको कि है क्या ये गोकुलम, एक मैगजीन है, पोस्टर है। तो यहाँ पे क्या है, एक मैगजीन है, पत्रिका है, जो गोकुलम है वो इस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रही है। फिर विच एंट्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द कॉन्टेस्ट, कौन सी एंट्री मना है, एन एंट्री विदाउट अ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब किसी दूसरे की रचना है आपकी तो वो उसमें मना कर दी गई। फिर है विच ऑफ द ऑप्शन इज सिचुएट सुटेबल फॉर कंप्लीट द सेंटेंस, इट इज ड्यूड स्टेयर एट पीपल होम, यह सी वाला ऑप्शन है इसका। फिर 62 है द मैन वॉज बिटन बाय अ डॉग, तो इसको आपको एक्टिव वाइज में बनाना है, ठीक है, एक्टिव वाइज में फिर से आपको लिखना है, तो द डॉग बिट द मैन, ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 63 नंबर आप देख लीजिए, विच ऑफ द वर्ड्स कंप्लीट द गिवन सेंटेंस करेक्टली, दिस टास्क हैज बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी, वो जो टास्क है वो हमारे बीच में डिवाइड कर दिया गया। फिर है व्हेन रोहन वाज अ स्मॉल चाइल्ड ही ब्लैंक स्पेंड आवर्स एवरी डे, मतलब जब रोहन एक छोटा बच्चा था तो वह क्या करता था, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आएगा, वुड ही वुड स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट, कंचे खेलता था वो, बहुत सारा समय उसमें देता था, खराब कर देता था। फिर है 65, ब्लैंक द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, तो इसका जो ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर 65 का सी वाला, डिस्पाइट बींग द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। फिर है 66, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ ईयर, देखिए ए इन द आर्टिकल का यूज़ किया गया है, ईयर के साथ ए लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि उसका कुछ है, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। फिर है द प्लान टुक ब्लैंक एट 8:30 AM, तो देखिए ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ आएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा 67 वाले का। फिर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बिलो, मैथ्स डज नॉट इंटरेस्टेड मी, तो इसका आपको पैसिव फॉर्म बनाना है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैं मैथ्स में रुचि नहीं लेना चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैथ्स के लिए। फिर है 69, विच ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज द फॉलोइंग सेंटेंस, तो बच्चों यहाँ पे आपके 69 और 70 दोनों के ऑप्शन होंगे डी वाले। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल में बच्चों बहुत सारी काम की जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय।